जय श्री राम, जय बजरंगबली, ओम शनिचराय नमः, ओम शनिदेवाय नमः। आइए आप सभी भक्तों को हम आज श्री हनुमान जी का सर्वप्रथम श्री हनुमान जी का दर्शन कराते हैं। आप लोग दर्शन करिए हनुमान जी का। और 11 बार अगर आप प्रभु हनुमान जी का नाम लेते हैं, हनुमान जनी सुनु आर्य पुत्रो महाबल हरा मेष्ठ फाल्गुन शुभ पिंगच्छो अमित विक्रम उदयकमशो सीता शोक विनाशु लक्ष्मण प्राणदाता सदशिवश्य दर्पः। ओम हन 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 हनुमते नमः, ओम हन हनुमते नमः। यदि हनुमान जी के इस 11 नामों का यदि आप जाप करते हैं नित्य सुबह शाम, तो हनुमान जी की कृपा आपको जरूर मिलेगी। जय बजरंगबली। और चलिए हम आपको शनिदेव महिषासुर बाबा का और भोलेनाथ का आप लोगों को हम दर्शन कराते हैं। आइए आप लोग श्री शनि महाराज का दर्शन करिए, जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। ओम शनिदेवाय नमः, ओम शनिदेवाय नमः। आइए आप करिए महिषासुर बाबा का दर्शन। यहाँ की मान्यता है महिषासुर बाबा का जो भी दर्शन करता है और उनसे मन्नत मांगता है पूरी होती है। आप भी करिए। श्री राम, जय राम, जय जय। आइए अब हम चलते हैं श्री भोलेनाथ के दर्शन करने। भोलेनाथ का मंदिर में हम प्रवेश कर चुके हैं। ये देखिए, ये भोलेनाथ का परिवार है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और देखिए ये गणेश प्रभु जी हैं। ये देखिए ये माता मनसा है। ये देखिए माँ पार्वती है। नंदी बाबा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये देखिए कार्तिकेय पूर्णिमा, भोलेनाथ के मंदिर में जहाँ से लीव होता है वहाँ पे सारे देवता लोग वास करते हैं। भोलेनाथ का पूरा परिवार रखे जाते हैं। और आप लोग दर्शन कर चुके हैं और हम मंदिर में आए हैं पूजा कर ले। और आप ये सोच रहे होंगे कि ये मंदिर कहाँ पे है। ये मंदिर लखनऊ में है, गंगोत्री बिहार में पड़ता है। और ऐसे तो हम प्रभु जब जब बुलाते हैं आते रहते हैं, प्रयास रहता पूरे दिन। आज आप लोगों को सोचे हैं दर्शन करवा दें। ओम नमः शिवाय। चलिए भोलेनाथ का आप सभी लोग दर्शन कर लिए। अब हम भी घर चलते हैं। घर पे भी अभी बहुत सारे काम हैं। खाना बनाना है, नाश्ता करना है, चाय पीना है। तो घर वाले यही कहते हैं पूजा पाठ के चक्कर में कुछ नहीं काम करेगी ये। आप सभी को जय सीताराम, जय हनुमान जी, जय बजरंगबली की, जय भोलेनाथ की, जय शनिदेव महाराज की, जय महिषासुर बाबा की। आप सभी लोग दर्शन करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लगा आप लोगों को मंदिर का दर्शन करके। और अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करिएगा और हमारे स्नेहा ब्लॉगर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय श्री राम।